ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो नौगांव के धौरा गांव में हर साल की तरह इस साल भी पंडित गणेश प्रसाद मिश्रा सेवा न्यास द्वारा सामूहिक विवाह सम्मेलन में कुल 26 विवाह आयोजित किए गए। इस विवाह में सामग्री के लिए 157 बर्तन सहित कूलर और विवाह की अन्य सामग्री भेंट की गई। विवाह सम्मेलन में मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग उपस्थित थे। इनके अलावा उत्तर प्रदेश के कई मंत्री और विधायक मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए और वर वधु को आशीर्वाद दिया। पास में खड़ा कर दें। ये जो वर वधु इकट्ठे हो रहे हैं, सुनो, इसके बाद जो ऊपर की लाइनें इसमें आ जाए बाकी। तो छतरपुर शहर में खाकी का रौब एक बार फिर देखने को मिला है। यहाँ पर एक प्रधान आरक्षक खाकी की गर्मी में इस कदर चूर है कि वह अपना मूल कर्तव्य छोड़कर ई रिक्शा चालक के साथ भद्दी भद्दी गालियां देकर जमकर थप्पड़ जड़ रहा है। मामला कोतवाली थाना इलाके के चौक बाजार का है, जहाँ पर कोतवाली थाना में पदस्थ यह प्रधान आरक्षक ई रिक्शा चालक को खींचते हुए थप्पड़ मार रहा है। इस घटना को राह चलते लोगों ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया। घटना की वजह महज ई रिक्शा का किसी बाइक में टच होना था। वही प्रधान आरक्षक सुरेंद्र यादव की इस करतूत से काफी देर तक सड़क पर जाम की स्थिति बनी रही और लोग पुलिस के इस रवैये को देखकर काफी हैरान थे। प्रभु राम चौधरी ने प्रेस वार्ता की, जिसमें स्वास्थ्य विभाग का 18 से 30 अप्रैल स्वास्थ्य मेले का आयोजन की बात कही है। साथ ही कहा कि आम जनों को स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता प्रभाव इस मेले का मुख्य उद्देश्य होगा। इस मेले में हितग्राहियों को आयुष्मान भारत कार्ड बनवाए जाएंगे। स्वास्थ्य मेले में अस्थि रोग विशेषज्ञ, श्वास रोग विशेषज्ञ, कैंसर आदि रोगों के लेकर विशेषज्ञ उपस्थित रहेंगे। तो छत्तीसगढ़ के महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया अपने विधानसभा क्षेत्र के भैंसबोर्ड गांव पहुंचे। इस दौरान मंत्री पनिका समाज द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां पर समाज के इस कार्यक्रम में कुल 22 नवदंपत्ति जोड़ों का विवाह हुआ, जिसमें सिर्फ 5 जोड़े ही पानिका समाज के और 17 अन्य समाज के वर वधुओं का विवाह हुआ। समाज के इस पहल की सराहना खुद मंत्री ने भी मंच के माध्यम से किए। इस दौरान मंत्री ने सभी वर वधुओं को आशीर्वाद दिए और शासन की ओर से 25,000 की मदद सभी जोड़ों को दिया गया। समाज धीरे धीरे शिक्षा की ओर बढ़ा थे, माँ बाप नहीं पढ़े परंतु लेकर आज हमारे डोंडी ब्लॉक का बोरा जिला स्तरीय पे इनका समाज का सामाजिक कार्यक्रम था, और साथ ही साथ समाज की प्रयास से मुख्यमंत्री कन्या विवाह का भी आयोजन 22 जोड़ों का यहाँ पे किया गया है। तो ये अच्छा रहा, समाज एक बहुत बढ़िया जो आज बच्चियों का बेटों का जो शादी। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। आए दिन रिश्वतखोरी के मामले सामने आ रहे हैं। एक ऐसा ही ताजा मामला छिंदवाड़ा जिले से आया है। जुन्नार देव जनपद पंचायत सीओ सुरेंद्र साहू को लोकायुक्त ने 4 लाख की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। पूरा मामला यह है कि प्रार्थी रोहन यदुवंशी के द्वारा लोकायुक्त कार्यालय जबलपुर में शिकायत की थी। शिकायत के बाद लोकायुक्त ने फरियादी को केमिकल लगे नोट देकर भेजा। जैसे ही रोहन ने मिथुन पवार को रिश्वत की राशि दी, उसी समय लोकायुक्त की टीम ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया।
बालोद जिले के ग्राम कमरौद में 400 वर्ष पुरानी भगवान हनुमान की मूर्ति स्थापित है, जिसे लोग चमत्कारी हनुमान भी कहते हैं। दूर दराज से लोग यहां अपनी मनोकामना लेकर आते हैं। इस मूर्ति की प्रसिद्धि अब जिले के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों में भी होने लगी है। वही हनुमान जयंती पर भव्य कार्यक्रम हवन भंडारा भी होता है। इस मूर्ति के मिलने के पीछे एक कहानी है। आखिर क्या है इस चमत्कारी हनुमान का राज, आइए जानते हैं। रामचरितमानस में उल्लेखित है कि भगवान श्री राम ने हनुमान जी को चिरकाल तक जीवित रहने का आशीर्वाद दिया, जहां माना जाता है कि आज भी भगवान हनुमान जीवित है। कुछ ऐसी ही कहानी छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के ग्राम कमरौद के मंदिर में स्थित हनुमान जी की प्रतिमा की है। बताया जाता है कि 400 वर्ष पूर्व इस गाँव के आस पास काफी सूखा रहता था, जहाँ लोग काफी परेशान थे। एक दिन जब एक किसान अपने खेत में हल चला रहा था, तभी जमीन में उसका हल फंस गया। काफी मशक्कत के बाद जब हल को निकाला गया, तब उसमें जमीन के नीचे हनुमान जी की मूर्ति थी। उस मूर्ति की पूरी मिट्टी साफ कर उसे वहीं स्थापित किया गया, जिसके लिए छोटा सा मंदिर भी बनाया गया। मगर मूर्ति धीरे धीरे बढ़ने लगी, जहाँ मंदिर का छत टूट जाता था। ऐसा 3-4 बार हुआ, जहाँ मूर्ति लगातार बढ़ती गई और अब ये मूर्ति 12 फीट की हो गई है। बताया जाता है कि जब मूर्ति मिली तो वो सिर्फ 2 फुट की थी, जो धीरे धीरे बढ़ती गई। और जहाँ पर यह मूर्ति मिली वहीं पर एक भव्य मंदिर बनाया गया। अब मंदिर के छत की ऊंचाई 28 फीट किया गया है, जहाँ धीरे धीरे लोगों की आस्था इस मंदिर के प्रति बढ़ रही है। अब लोग बताते हैं, यहाँ मैं तो बहुत छोटा हूँ, बच्चा हूँ, लेकिन सियानों का कहना है यह जमीन जो में मूर्ति हुई फोड़ निकला है। मैंने हल चला रहा था किसान, तो उसके फाल में लगा उसके मुंडी, तो देखा तो वहाँ कोई मूर्ति है, तो निकाला तो बहुत छोटा था, खोदा तो, लेकिन आज के डेट में वह बढ़ते 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 10-12 फीट हो गया है। और इसकी श्रद्धा इतना ज़्यादा है कि लोग जो भी मनोकामना मांगते हैं उसको पूरा करते हैं, और दूर दूर के प्राणी आते हैं। और नवरात्रि में पहले तो ज्योत नहीं जल रहा था, लेकिन आज के डेट में 300 से 400 ज्योति कलश जलता है। और पहले मंदिर तो छोटे था, उसको फोड़ा क्योंकि मूर्ति बढ़ रहा था और उसको बड़े किए हैं। और पहले वाले जो महाराज थे वो बताते हैं कि यहाँ तो रोड वोड कुछ नहीं था, लेकिन जब मंदिर के मूर्ति जब बढ़ते गए तो लोग आना जाना जब चालू हुआ तो यहाँ रोड भी बना और मंदिर विकास की ओर बढ़ते गया। श्रद्धालुओं की जो भीड़ है दिन प्रतिदिन बढ़ते क्रम में है। पिछले शिवरात्रि में इतना भीड़ इसके यहाँ आदमी ला चलकर तकलीफ रही, इतना भीड़ भाड़ से श्रद्धा भक्ति जो मांगा थे बजरंग बली ला वो लोग मिला थे। एक कारण से भीड़ भाड़ यहाँ बहुत ज़्यादा हो जाते थे और हमेशा भीड़ भाड़ ऐसे रहते। अब इस मंदिर को चमत्कारी हनुमान मंदिर भी कहते हैं। बड़ी दूर दूर से लोग इस जगह पर अपनी मनोकामना लेकर आते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। जहां इस मंदिर के प्रति लोगों की आस्था दिनों दिन बढ़ रही है, वहीं मंदिर के प्रांगण में भव्य शिवलिंग बनाया हुआ है, तो बाहरी भाग में एक तरफ शनि देव जी स्थापित हैं, तो दूसरी तरफ भव्य काली माँ की मूर्ति है, जिसे देखते ही नजरें नहीं हटती। दूर दराज से आए श्रद्धालुओं के लिए मंदिर में पानी, बैठक व्यवस्था, सुंदर गार्डन भी बनाया गया है। इस मूर्ति ने बहुत छोटे रूप में जन्म लिया और क्या है, श्रद्धालुगण जुड़ते गए और श्रद्धालुगण का खूब आशीर्वाद मिला इनसे, और सबके ने सहयोग प्लस बजरंगी ने धीरे धीरे अपने ऐसे बढ़ा, और आज दुनिया में आशीर्वाद इनको मिल रहा है आम पब्लिक को। कहते हैं चमत्कार को ही नमस्कार किया जाता है, मगर ये चमत्कार पूरी तरह से श्रद्धा से जुड़ा हुआ है। जहाँ लोगों की हर मुराद पूरी होती है और जहाँ हनुमान जी का नाम आता है, वहाँ इस दोहे पर ही पूरी बात समझ आ जाती है। बुद्धिहीन तनु जानके सुमिर पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ब्यूरो रिपोर्ट, रफ्तार मीडिया, छत्तीसगढ़। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहिए रफ्तार मीडिया के साथ। नमस्कार।